महू में लगातार दूसरे दिन पुलिस द्वारा हत्या की गुत्थी सुलझाई गई, जिसमें सगे छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। ग्राम कालाकुंड पटेल में सेवाराम कोहली की जघन्य हत्याकांड का 24 घंटे में सिमरौल पुलिस द्वारा खुलासा किया गया। झोरल नदी में स्टॉप डैम पर मछली पकड़ने के एकाधिकार को खत्म करने को लेकर सगे भाई ने ही अपने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से जघन्य हत्या कर दी। विगत 17 जुलाई को कालाकुंड रेलवे स्टेशन के पीछे चोरल नदी पर बने स्पॉट डैम में गांव के पटेल सेवाराम कोहली की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा दल बनाकर तफ्तीश की गई, जिसमें मृतक का पाया जबड़ा, दाहिनी हाथ की कलाई, सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें थी। चोट धारदार हथियार से आना प्रतीत हो रही थी। विवेचना में परिवार से पूछताछ करने पर मामला चोरल नदी स्पॉट डैम पर सेवाराम का मछली पकड़ने के एकाधिकार को खत्म करने और पूर्व रंजिश को लेकर नसंस हत्याकांड को अंजाम देने का बात कही गई, जिसमें मृतक से बराम का सगा छोटा भाई रमेश कोहली का छितर सिंह द्वारा हत्या करना पाया गया, जिन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उक्त आरोपियों द्वारा हत्या करना कबूल लिया गया। जो डेड बॉडी थी उसको प्रथम दृष्टया देखते हुए यह पाया गया कि बॉडी पर हथियार से काफ़ी 2-3 गंभीर घाव देखने को मिले थे, जिससे यह प्रतीत होता था कि उस उक्त अज्ञात व्यक्ति को मारकर नदी में फेंका गया है। तो सर्वप्रथम पुलिस के द्वारा उक्त व्यक्ति की शिनाख्त के प्रयास किए गए, जिस पर यह पाया गया कि जो बॉडी थी वो सेवाराम कोहली, जो निकटस्थ गाँव कालाकुंड का ही रहने वाला था और मछली पकड़ने के कार्य में संलग्न था, उस व्यक्ति की थी। क्योंकि घटना के दौरान किसी भी प्रकार का कोई तकनीकी साक्ष्य मौजूद नहीं था, तो पूर्ण रूप से ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर श्री अजय वाजपेयी की लीडरशिप में थाना प्रभारी सिमरौल के द्वारा एक टीम गठित की गई और उस टीम ने लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम करते हुए मुखबिरों को सक्रिय करते हुए 2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए चिन्हित किया। ये संदिग्धों के जो नाम है रमेश कोहली और छितर सिंह, जो कि कालाकुंड की रहने वाले हैं, और रमेश कोहली मृतक का सगा छोटा भाई है। जब दोनों से विस्तृत पूछताछ की गई तो दोनों व्यक्तियों ने अपना अपराध कबूल किया। महू पुलिस ने 5 दिनों के अंदर अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस जांच में भाई ही भाई का हत्यारा निकला। वहीं पुलिस ने आरोपियों को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी ने पैसे के लेन देन को लेकर भाई की हत्या की थी। 14 जुलाई को महू थाने पर सूचना मिली थी कि बांग्ला नंबर 125 सिमरौल रोड के कमरे में बदबू आ रही है, जिसके बाद कमरे के दरवाजे खोले गए तो वहां 4 से 5 दिन पुराना शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी शिनाख्त संजीत शर्मा उम्र 37 साल निवासी मोतिहारी विहार के रूप में हुई थी, जो कि यहां पर किराए का मकान लेकर पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। 15 दिन पहले उसकी बीवी अपने बच्चों के साथ अपने मायके राजस्थान चली गई थी। उसके बाद से मृतक अकेला रहा था। पीएम रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में यह सामने आया कि सिर में गहरी चोट की वजह से मृतक की मौत हुई है। आसपास के निवासियों से बात करने और सीसीटीवी खंगालने के बाद पाया गया कि 8 जुलाई की शाम मृतक संजीत का भाई और दीपक कुमार शर्मा और भांजा लक्ष्मण कुमार मृतक के कमरे में थे और उसकी गाड़ी लेकर दोनों कहीं चले गए थे, जिसके बाद 2 टीम बनाकर विवेचना करने पर मृतक और उसके भाई के बीच पैसों का विवाद सामने आया, जिसको लेकर दोनों में झगड़ा होता था और उसी वजह से दीपक ने संजीत की हत्या कर दी। उसके बाद वो बिहार भाग गए। जब टीम ने दबिश दी तो वो वहां नहीं मिले, जिसके बाद आरोपियों को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया, जो कि नेपाल भागने की फिराक में थे। दोनों आरोपियों को पुलिस ट्रांजिट अरेस्ट करके महू लाई है, जहां पूछताछ में आरोपियों ने संजीत की हत्या करना कबूल लिया है और कोर्ट से उनकी रिमांड मांगी गई है। दिनांक 14 जुलाई 2021 को थाना महू पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि सिमरौल रोड पर बंगला नंबर 125, जो कि रोहित अग्रवाल का मकान है, उस मकान में ऊपर वाले फ्लोर पर एक रूम से काफ़ी बदबू आ रही है, जिस पर से तत्काल टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर ये पता लगा कि जब उस कमरे को खोला गया तो वहां पर बेड पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और देखने में वो बॉडी ऐसा लग रहा था कि 4-5 दिन पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। बॉडी के बिल्कुल पास में एक हथौड़ा भी रखा था, जिस पर से FSL टीम को घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया
और SDOP महू श्री विनोद शर्मा और थाना प्रभारी महू भी मौके पर पहुंचे, जिसमें प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा था कि उस हथौड़े से व्यक्ति को मारकर और जो आरोपी है वो फरार हो गए हैं।